किसान आंदोलन का निष्कर्ष और स्वरूप एक ओर है, लेकिन दूसरी ओर का सच ये भी है कि सरकार क्या इस बजट के जरिए कोई संदेश देने का प्रयास करेगी, आइए जानते हैं। जानकारों का मानना है कि आने वाले बजट में किसानों के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं हो सकती हैं। इस बार बजट में निर्मला सीतारमण ये संदेश देने की कोशिश करेंगी कि मोदी सरकार किसानों और किसान कल्याण की परवाह करती है। वैसे इस बजट से पहले भी सरकार ने हर साल कृषि क्षेत्र के लिए बजटीय आवंटन में इजाफा किया है। 2019-20 के लिए कृषि बजट एस्टिमेट करीब 1,51,000 करोड़ रुपए था, जो अगले वित्त वर्ष 2020-21 में बढ़कर लगभग 1,54,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत 2019-20 में बजट राशि 9,682 करोड़ से बढ़ाकर अगले साल 11,127 करोड़ रुपए कर दी गई। पीएम फसल बीमा योजना के तहत 2019-20 में बजट राशि 14,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर अगले साल 15,695 करोड़ रुपए कर दी गई। उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी कृषि बजट में बढ़ोतरी होगी। दो हजार 2018 में किसानों के लिए सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लेकर आई थी। इसके जरिए 2 हेक्टेयर से कम जमीन वाले किसानों को सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत सभी छोटे और सीमांत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके खाते में पहुंचाए जाते हैं। इस बजट में उम्मीद की जा रही है कि किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाई जा सकती है। मौजूदा समय में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 11,47,00,000 लाभार्थी हैं। दो हजार 2018 के बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पीएम कुसुम योजना का ऐलान किया था। इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पैनल मुहैया कराए जाते हैं, जिनसे वो बिजली बना सके। किसानों को ये भी सुविधा दी जाती है कि इससे जरूरत की बिजली का इस्तेमाल करके बची हुई बिजली को बेचा जा सके। माना जा रहा है कि इस बार के बजट में पीएम कुसुम योजना का विस्तार हो सकता है। 2020 में भी निर्मला सीतारमण ने इस योजना में विस्तार किया था। रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय ने पीएम कुसुम योजना के बजट में 20 से 25% बढ़ोतरी की सिफारिश भी की है।